शर्मिला मलिक, वेलकम टू माय चैनल दिल्ली नेचर लवर। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो हम सबसे पहले अपने बालों में प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो है हीना। ये है एक हर्बल हीना, इसके अलावा दूसरी हीना भी आती है। और इसके अलावा हम अपने बालों में यूज़ करते हैं कलर, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये एक नंबर से लेके बहुत सारे नंबर तक आते हैं, अमोनिया फ्री और अमोनिया वाले। लेकिन इन कलर और हीना को लगाने के बाद हमें अपने बालों की करनी पड़ती है एक्स्ट्रा केयर। तो हम अपने बालों को रूखा सूखा और डैमेज होने से किस तरीके से बचा सकते हैं, वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। हीना, जैसे कि आप सब जानते हो, एक हर्बल प्रोडक्ट है। वो हमारे बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करती, लेकिन उसको हमें बहुत जल्दी जल्दी लगाना पड़ता है और उसकी वजह से हमारे बालों में एक परत शुरू जमना शुरू हो जाती है। आप जो लोग हीना यूज़ करते हैं, आप अपने बालों को ऐसे पकड़ के आप अपने बाल को देखोगे तो आप पाओगे कि उसके ऊपर एक थिक लेयर जमा हो चुकी है। उससे होता क्या है कि हमारे बाल जो हैं बहुत ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं एंड हेयर फॉलिंग शुरू हो जाती है। फ्रेंड, भले ही हीना हो या कलर, दोनों ही हमारे बालों को थोड़ा सा ड्राई कर देते हैं और दो मुँह बाल हो जाते हैं और हमारी हेयर फॉलिंग शुरू हो जाती है। उसमें हीना हमारे को थोड़ा कम नुकसान पहुंचाती है और कलर हमारे को थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि उसके अंदर होते हैं बहुत सारे केमिकल। फ्रेंड, ये तो होगी कलर और हीना की बात कि उनके जो केमिकल हैं वो हमारे बालों पर किस तरह का असर छोड़ते हैं, लेकिन अब ज़रूरत है हमें उनमें प्रोटेक्ट करने की और उनकी केयर की। तो नंबर वन, जब हम कलर करें तो हमें उसके बाद कंडीशनर जरूर लगाना चाहिए। अगर आप अपने बालों में ऑयलिंग करते हैं तो आपको अपने बालों में केवल एक घंटे के लिए ही ऑयल लगाना चाहिए। उसके लिए आपको जो ऑयल यूज़ करने हैं वो किस तरीके से हैं, जैसे आप ओलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो, आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हो, और बेस्ट ऑप्शन नारियल ऑयल तो आपके पास है। तो आप उसकी हल्के हाथों से मसाज करें और एक घंटे के बाद अपने हेयर वॉश कर दें, क्योंकि ऑयल को जो भी इफ़ेक्ट छोड़ना होता है वो केवल अपना एक घंटे के अंदर ही छोड़ देता है। उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम तक अपने बालों में ऑयल लगा के रखते हैं तो आपके जो हेयर के पोर हैं उन्हें ब्लॉक कर देता है, और उससे होता क्या है कि हमारे बालों में धीरे धीरे डैंड्रफ जमा होने लगता है। तो डैंड्रफ होने की एक सबसे बड़ी वजह वो एक्सेस हेयर ऑयलिंग भी है। हमें अपने बालों में वीक में एक बार कोई हेयर मास्क जरूर यूज़ करना चाहिए, भले ही वो आपका मार्केट का हेयर मास्क हो या फिर आपने अपने घर के प्रोडक्ट से तैयार किया हो। हेयर मास्क लगाने से हमारे डैमेज हेयर रिपेयर होते हैं, हेयर फॉलिंग कम होती है और उनको नरिशिंग मिलती है। फ्रेंड्स, हमें महीने में एक बार हेयर स्पा जरूर करना चाहिए, चाहे वो आप पार्लर में जाके करें या घर में ही। बहुत सारे मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो आप घर में लाके ही अपने हेयर स्पा कर सकते हैं, या फिर अपने घर में भी कुछ प्रोडक्ट के साथ आप अपना हेयर स्पा कर सकते हैं। फ्रेंड, मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपकी कुछ हेल्प जरूर करेगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो कुछ हेल्प कर रहा है तो आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। और इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। अगले टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर।